यह है कैडिलैक की CT6, जो उनकी अभी तक की तो सबसे बड़ी गाड़ी है। और इसमें जो इंजन है वो है 3000 cc ट्विन टर्बो इंजन है। और ये तो अभी यूज़ में है तो इसलिए कम है, वरना अगर आप ख़रीदे जाएंगे तो ये तकरीबन आपको 3.25 लाख की पड़ेगी। मुझे इसकी हेडलाइट्स बहुत पसंद है, एक तो क्योंकि इसमें साइडों में जो डे टाइम रनिंग लाइट्स हैं वो पूरा नीचे बम्पर तक जाती हैं, तो रात होते ही दूर से जाते हुए बहुत ज़बरदस्त लगती है। प्लस इसकी नई वाली ग्रिल वो भी बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, ये बड़ी गाड़ी है, आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी है, यानी ये अकॉर्ड से तो काफ़ी बड़ी है, अकॉर्ड या कैमरी से। इंटीरियर भी बहुत अच्छा है इसका, मगर मैं इस गाड़ी का इंटीरियर नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको एक और CT6 का इंटीरियर दिखाऊंगा, क्योंकि इस गाड़ी का इंटीरियर तो फुल ब्लैक है, उसमें मज़ा नहीं आएगा आपको। मगर इसका असल बेज कलर है इंटीरियर का, वो ज़्यादा खूबसूरत है। ये है ठीक है ना, यहाँ वुड फिटिंग दी हुई है, अच्छी ओरिजिनल वुड है, लेदर भी है यहाँ पे हर तरफ। जब आप अंदर बैठते हैं तो यहाँ पे देखते हैं सब डिजिटल है, और वुड यहाँ पे जो दी हुई है दो कलर की है, डार्क और लाइट, और बीच में क्रोम की फिटिंग है। तो वही वुड जो है वो आखिर तक जा रही है, और दवाज भी है ये। इसका कंप्यूटर स्क्रीन है बड़ी सी, यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, और यहाँ पे ग्रिल है, और बस थोड़े से बटन्स और हैं यहाँ पे एडिशनल। फिर एक स्मूथ ये स्टाइलिश सी गियर लेवर दिया हुआ है, यहाँ पे कप होल्डर्स की जगह है, और यहाँ पे कंप्यूटर का माउस की जगह उन्होंने जो है वो टच पैड दिया हुआ है। बाकी और ड्राइविंग मोड्स हैं, ऑटो होल्ड है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ का बटन है, मोड का बटन शॉर्टकट दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे एक बैक का बटन है, जब गाड़ी ऑन होती है वो जलता है लाइट उसकी। अच्छा, स्टीयरिंग व्हील पे काफ़ी बटन हैं, नीचे भी बटन हैं और ऊपर भी हैं। नीचे यहाँ पे कोलिजन कोर्स के हैं, लेन डिपार्चर लेन का बटन है सॉरी, और यहाँ पे हीटिंग स्टीयरिंग व्हील भी का भी बटन है, और वॉल्यूम के भी कंट्रोल्स हैं यहाँ पे, शॉर्टकट्स हैं सिलेक्शन करने के लिए, जो यहाँ पे भी वाइपर के कंट्रोल्स हैं, कुछ वॉइस कमांड है, फ़ोन रिजेक्ट करने का बटन है, मुख्तलिफ बटन्स हैं। और स्टीयरिंग व्हील के पीछे आप देखें तो ये चेंज करने के लिए लेवर दिया हुआ है, यहाँ पे इस वाले को राइट वाले को दबाएंगे तो प्लस है ठीक है, तो गियर बढ़ता है, यहाँ पे माइनस है यानी गियर कम होता है। तो ये है इसका इंटीरियर। आगे का इंटीरियर काफ़ी बड़ा है, काफ़ी स्पेशियस है, और इसमें एक चीज़ और है ख़ास कि स्पीकर जगह जगह दिए हुए हैं, यहाँ कॉलम पे दिए हुए हैं, यहाँ हैंडल के पास भी दिया हुआ है, और यहाँ हेडरेस्ट में भी दिया हुआ है। इसमें 34 स्पीकर्स हैं इस गाड़ी में। तो ये गाड़ी नॉर्मल आप जैपनीज़ गाड़ी से कंपेयर नहीं कर सकते, यानी ये टोयोटा कैमरी और होंडा अकॉर्ड से तो बेहतर है, ये लेक्सस के टक्कर में आती है। तो पीछे क्या बात है, तो यहाँ पे ये स्लाइड होने वाले टीवीज़ हैं पीछे, पीछे पैसेंजर्स के लिए और काफ़ी जगह है, आराम से बैठ सकते हैं, सीटें भी अच्छी कंफर्टेबल हैं, दबी हुई आराम देख सकते हैं, और अच्छी सीट्स हैं, बैठ के देख सकते हैं, काफ़ी कंफर्टेबल हैं। इंटीरियर तो वाकई ज़बरदस्त है, छत भी खुलती है आगे के ड्राइवर और पैसेंजर के लिए, बस पीछे वालों के लिए भी अलग से छत है। गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है, मुझे तो बहुत पसंद आई। कलर्स मुझे इस पर सबसे ज़्यादा ब्लैक और वाइट ही पसंद है, पीछे से भी अच्छी है, बुरी नहीं है। मसला ये कि इनके नाम सिर्फ CT6 और ये इस तरह अल्फोनियो मेरे नाम जो है ना लोगों को याद नहीं रहते, प्लस हर मॉडल के साथ ही नाम चेंज हो जाते हैं, तो ये इशू है बस एक मुझे इनके नामों से। बाकी तो गाड़ी ज़बरदस्त है, 3.25 लाख में बिल्कुल बुरी नहीं है।